नमस्कार, आज हम कृषि उपज मंडी में मौजूद हैं, जहां हम सरसों की बात करने के लिए मंडी में पहुंचे हैं। मंडी व्यापारी सुरेश जलालपुरिया हमारे साथ में मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि किस तरह यहां जो सरसों आ रही है, क्या भाव है, कितने कट्टे आ रहे हैं, कहां कहां से सरसों आ रही है और कौन कौन सी मिल में सरसों जा रही है। जी सर, बताइए आज मंडी में क्या भाव है सरसों के, कितने कट्टे आए हैं? आज हमारे यहाँ पे 15,000 कट्टे करीब आमद है और कल से 50 रुपया सरसों का भाव तेज है। उसका मुख्य कारण विदेशी बाजारों के तेलों का तेज होना है। वर्तमान में जो सरसों आ रही है वो पिछले साल के उत्पादन जितना था, मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा बैठेगा, कम नहीं बैठेगा, और किसान को भी एक अच्छा भाव मिल रहा है। कल कितने कट्टे आए थे, क्या भाव थे कल? कल भी करीब करीब इतने ही आए थे। कल के भाव ऊपर में 5,500 थे, आज 5,250 रुपए के 42 तेल के भाव हैं। और जो सरसों हमारे यहाँ 44-45 बिकती है, उनमें नम होती है, नम के आधार पर, तेल के आधार पर भाव तय होते हैं। अभी जो सरसों में नमी भी देखी जा रही है, क्या कारण मानते हैं नमी का जो आ रही है नमी? इस बार सरसों में शुरुआत में हमेशा ही किसान भाई खेतों में सरसों झड़ नहीं जाए, इसलिए वो नम सरसों काटता है। अभी हमारे किसान जो आज सरसों लेकर आया, ये बताएगा नम सरसों काटने की मजबूरी किसान को क्या होती है। अभी फिलहाल मंडी में कहां कहां से सरसों आ रही है? अलवर क्षेत्र के आसपास के सभी, जैसे मालाखेड़ा बेल्ट और आपके इधर किशनगढ़ वगैरह, हमारे अलवर मंडी के आसपास के सभी क्षेत्रों से शुरू हो गई है। लेकिन बाहर की मंडियों की भी, चूँकि अलवर में एक सरसों का खपत तेल में मिलें ज़्यादा हैं, इसलिए कोटा, बारा, MP तक के माल अलवर मंडी में बिकने आते हैं। जी, हमारे साथ में यहाँ पर जो किसान भाई हैं वो भी हम मौजूद हैं, जो सरसों लेकर मंडी में पहुँचे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि वो कितने कट्टे लेकर आए हैं, कितने बीघा में उन्होंने सरसों का उत्पादन किया है। जी भैया बताइए, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? अकरम नाम है, मन्ना का गाँव है। कितनी सरसों लेकर आए मंडी में? 20 बोरी लेकर आया। क्या भाव मिला है? 5,000 रुपए। सरसों में जो अबकी बार नमी देखी जा रही है, क्या कारण? बारिश वारिश की वजह से नमी है थोड़ी। अच्छा, हाँ, तो भाव अच्छा मिल रहा है आपको? भाव अच्छा है पर इतना उपजाऊ नहीं हुआ, वो बारिश के कारण है, कुछ कोहरा कारण है, वो भाव अच्छा नहीं तो है पर उतनी बैठ नहीं रही। कितना सरसों बैठनी चाहिए? कितना उत्पादन किया है आपने? 20 बीघा। अच्छा, हाँ। क्या लागत आई थी आपकी? लागत तो सब आती है, करीब करीब 5-6,000 रुपये बीघा, पानी का लगे, खाद है, बीज है, कटाई है, बुआई है, इतना तो आ जाता है, 5-7,000 रुपये बीघा। तो यानी कि खर्चा आपका निकल पा रहा है? नहीं निकल, नहीं निकल रहा है। अच्छा, अच्छा निकल रहा है। जी, हमारे साथ में ये किसान भाई मौजूद थे, उन्होंने बताया कि अब की बार जो सरसों के भाव है वो अच्छे हैं, उनको मिल रहा है, अच्छे भाव मिल रहे हैं और उनके चेहरे पे भी खुशी देखी जा रही है, क्योंकि लगातार सरसों की जो आवक है मंडी में लगातार आवक हो रही है और रोजाना क्या बोलते हैं कम से कम 10-15 हज़ार कट्टे जो सरसों की आवक है, भाव भी अच्छे हैं, किसानों को अच्छा भाव मिल रहा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ हमारे मंडी में सरसों है और किस तरह से यहाँ गाड़ी लोडिंग हो रही है, इस तरह से यहाँ जो है सरसों के भाव जो देखे जा रहे हैं। साथ में हमारे यहाँ पर जो है यहाँ की जो सरसों है वो बाहर तक जाती है, तेल मिलों में जा रही है, वहाँ का जो तेल है काफी अच्छा होता है। और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये लगातार जो है गाड़ी जो लोडिंग की जा रही है और ये लोडिंग ये जो मिल में गाड़ी है वो लोडिंग करके यहाँ भेजी जा रही है। और सरसों का जो भाव है यहाँ पर अच्छे मिलने के कारण किसानों के चेहरे पर खुशी का माहौल भी देखने को मिल रहा है। वहीं हमारे पीछे कुछ सरसों के ढेर भी लगे हुए हैं, बोरियां भी पैकिंग हुई पड़ी है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ जो व्यापारी भी खुश है और साथ में जो किसान जो सरसों की फसल लेकर आ रहा है वो भी खुशहाल नजर आ रहा है। नितिन शर्मा, अलवर।